नमस्कार साथियों, मनोज ऑर्गेनिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का मुख्य विषय है जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल किस प्रकार से बढ़ाया जाए। साथियों, आज के समय में जो किसान साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं लेकिन उनकी फसल बहुत कम उपज देती है, उसका मुख्य कारण है आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल कम होना। आज के वर्तमान समय में देश भर में खेती योग्य जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है बहुत ही कम हो गया है। अगर आप जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको इन सभी की बातों की जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आप जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप विस्तार से ये जान पाएं कि जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से जैविक कार्बन अपने खेत में बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, जैविक कार्बन बढ़ाने के दो ही माध्यम हैं। एक तो है आप अपने गाय या पशुओं के गोबर को कंपोस्ट खाद बना के खेत में डालें, उससे आपके जमीन का कार्बन लेवल में सुधार आएगा और कार्बन लेवल बढ़ेगा। दूसरा तरीका है साथियों, आप अपने फसल अवशेष को जमीन में गिराएं या फिर आप हरी खाद के तौर पे किसी प्रकार की दलहनी या तिलहनी फसल लगा के अपने जमीन का कार्बन लेवल बढ़ा सकते हैं। ये दो माध्यम है आपको जमीन में कार्बन लेवल बढ़ाने के। साथियों, अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार की फसल का उपयोग करें कि हरी खाद के तौर पे, जिससे कि हम अच्छा कार्बन लेवल बढ़ा सकें। इसके लिए हमें दलहनी या तिलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए और ये खरीफ की फसलें होती हैं। जुलाई अगस्त के महीने में इन फसलों को हम लगा सकते हैं और 40 से 45 दिन बाद में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने अपने खेत में जंतर की फसल लगा रखी है और इसको लगभग 45 दिन की ये फसल है और इसको अब हम जमीन में हैरो के द्वारा गड़ा देंगे। तो आप भी अपने खेत में किसी दलहनी या तिलहनी फसल को लगा के 40 से 45 दिन बाद में हैरो के द्वारा जमीन में पलट दें और अपने खेत का कार्बन लेवल में आप सुधार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जमीन में कार्बन का क्या महत्व है। जैविक कार्बन अगर हमारी जमीन में बढ़ता है तो उससे जो जमीन की ऊर्जा है वो बढ़ती है, जमीन में जल धारण करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, जमीन में वायु का संचार बढ़ता है, जमीन में जो मिट्टी का पीएच है उसका सुधार होता है, भूमि में जो खनिज पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा में बढ़ोतरी होती है। साथियों, ये सभी फायदे हमारे जैविक कार्बन के जमीन में बढ़ने से होते हैं। साथियों, अगर एक एकड़ भूमि में 1% जैविक कार्बन बढ़ता है तो उसकी जल धारण करने की क्षमता है वो 1,00,000 लीटर तक बढ़ जाती है। साथियों, इसके साथ ही एक ICAR के डॉक्टरों का कहना है कि देश में मृदा का जो कार्बन लेवल है वो 0.3 से 0.4% तक आ गया है। इसका मतलब ये है कि बहुत कम हो गया है। साथियों, इसका मुख्य कारण ये है कि हमने अंधाधुंध दवाई व स्प्रे का उपयोग करके जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन लेवल को कम कर दिया है। साथियों, हमारी जमीन का जो कार्बन लेवल है वो कम से कम 1.5 से 2.5 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो ये एक विचार का विषय है। साथियों, भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ाने के लिए आप हर साल एक बार दलहनी या तिलहनी फसलों को लगा के जमीन में मिला दें, इससे हमें अच्छी खाद मिलेगी और जमीन में हमारी में उर्वरा शक्ति का भी सुधार होगा व कार्बनिक लेवल भी बढ़ेगा। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो लेके आ सकें।